हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है और मैं पटना से हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। मैंने बचपन से बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और वो सब कुछ बिल्कुल ही स्कैटर्ड पड़ा है। कुछ मेरी पुरानी डायरीज़ में कैद है, कुछ मेरे एवरनोट के पेजेस में स्क्रिबल्ड है, कुछ मेरे फेसबुक के नोट्स में है, कुछ कुछ मेरे ब्लॉग पे है। तो सब कुछ इतना स्कैटर्ड है कि आज तक मेरे पास मेरे क्रिएशंस का कोई कंपाइलेशन नहीं है। तो इस न्यू ईयर मैंने ये रेजोल्यूशन लिया। ओ बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और आई एम श्योर सबने अपना अपना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा। तो मैंने इस साल का अपना रेजोल्यूशन ये लिया है कि मैं हर रोज़ अपना एक पोएम खुद से नरेट करके इस चैनल पे डालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी और अपने पोएम्स का एक कंपाइलेशन बनाऊंगी यहाँ पर। तो क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैंने एक बहुत ही स्पेशल पोएम चुनी है आज के लिए। और ये पोएम हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब यू यू फील वेरी एलियनेटेड, यू फील दैट यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन, एंड जस्ट बिकॉज यू आर लीडिंग योर लाइफ डिफरेंटली फ्रॉम हाउ दी अदर्स आर लीडिंग, तो आपको बिल्कुल ही ब्लैक शीप की तरह ट्रीट किया जाता है। तो उस वक्त बहुत ईजी होता है अपने पे कॉन्फिडेंस लूज कर देना और ख़ुद को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना अपने कैरेक्टर ट्रेट्स को, कि भाई वाई एम आई लाइक दैट। वेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट टू लूज़ योर सेल्फ, और उस वक्त डिप्रेशन में जाना बहुत आसान होता है। बट इफ़ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड यू टेक एवरी यू नो कमेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड यू जस्ट फील प्राउड ऑफ बींग डिफरेंट, देन इट एक्चुअली चेंजेस द सिनारियो एंड डिप्रेशन में जाने की जगह यू एक्चुअली कम आउट यू नो स्ट्रोंगर। तो ये पोएम मैंने अपने लिए उस स्टेट में लिखी थी जब सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी मेरी ज़िंदगी में और सब के तरफ से बस ऐसे ही रिएक्शन आते थे कि यार ये तो पागल है, ये बिल्कुल ही अलग ही अपनी दुनिया में रहती है। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट गिव इन एंड जस्ट इधर बिकम लाइक पीपल, द अदर पीपल, एंड टू एक्ट एज वन ऑफ देम एंड फिट इन, एंड द अदर ऑप्शन वॉज टू जस्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड जस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम एंड यू नो जस्ट बी एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सोल नेचर। सो ये पोएम उसी स्टेट ऑफ माइंड की लिखी हुई है और मैंने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा था और कैसे वो सारे जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट करके अपने आप को बिल्कुल ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखा था। तो ये पोएम उसी के ऊपर है। तो आई एम श्योर आप लोग सब भी इस पोएम से रिलेट कर पाएंगे। जिसने भी कभी भी कोई जो रेगुलर लाइफ है उससे हट के लाइफ लीड की है, उनके लिए स्पेशली ये पोएम बहुत ही रिलेटेबल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओ उल्टा, बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं तुम में से एक नहीं हूँ। जंगली पागल मूफट जिद्दी ये सब हूँ पर फेक नहीं हूँ। अच्छा, ये रियल एडजेक्टिव्स हैं यार, मुझे सब सुनने को मिला था। तो जंगली पागल मूफट जिद्दी ये सब हूं पर फेक नहीं हूं। झांसे में नहीं आऊंगी तुम्हारे, पेन अनास हूं, कोई पीस ऑफ केक नहीं हूं। मैं अपने हिसाब से अपनी रफ्तार से चलती चलूंगी, जब चाहा लगा दिया, ऐसा कोई हैंड ब्रेक नहीं। शक्ल क्यूट है, शक्ल पर मत जाना। भारी हरिकेन हूं, कोई हल्का सा स्नोफ्लेक नहीं हूं।
जो दिल में है ज़बां पर भी वही मिलेगा। वन टेक ओके शॉट हूँ, कोई परफेक्शन के इंतज़ार में बैठा रीटेक नहीं हूँ। मेरे इनविजिबल थप्पड़ों के निशान सदियों तक नहीं जाएंगे तुम्हारे गालों से। एक सनसनाता सा समंदर हूँ, कोई सहलाता सा लेक नहीं हूँ। फिर भी देखना मेरे जाने के बाद कितना याद करेंगे लोग मुझे। अरे भाई बिल्कुल ओरिजिनल पीस हूँ, कोई रीमेक नहीं हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी डिक्शनरी के हिसाब से नेक नहीं हूँ? मुझे सुकून है इस बात का कि मैं तुम में से एक नहीं हूँ। सो दिस वॉज द पोएम दैट केप्ट मी गोइंग इन माई हार्ड टाइम्स, एंड आई होप दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम डार्क पैच इन योर लाइफ, देन दिस विल हेल्प यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। और अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप टू स्टे कनेक्टेड विद ऑल ऑफ़ यू, एंड आई होप कि आपको मेरी पोएम्स पसंद आए, और आई होप कि मैं हर रोज़ एक पोएम पोस्ट करने का ये जो रेजोल्यूशन है मेरा उसे पूरा कर सकूं। So please help me out by posting comments and encouraging me and keeping me motivated. Thank you so much for watching and tolerating me. Thank you. Bye-bye.